feel cozy, yeah. Can you hold up? फूड एंड ट्रेवल्स। तो आज हम निकले हैं अपनी जर्नी पर। हम जा रहे हैं लेह लद्दाख। बच्चे भी तैयार हैं। आर यू एक्साइटेड? यस यस फ्रेंड्स, हमने हमारी जर्नी शुरू करी है भोपाल से। हम भोपाल से रोड ट्रिप कर रहे हैं अपनी कार में, और हम यहाँ से लेह लद्दाख जाएंगे और वापस भोपाल टू लेह लद्दाख, और लेह लद्दाख से वापस भोपाल। पूरी जर्नी हम हमारी कार से कर रहे हैं, रोड ट्रिप। तो आपको सारे रोड्स की जानकारी, लेह के बारे में सारी चीजें हम आपको बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, ये है यमुना एक्सप्रेसवे का रेस्ट एरिया। अभी यहाँ पर रुके हैं। अभी क्या, हम रात को यहाँ पर 2 बजे के समथिंग पहुँचे थे, तो यहीं रुक गए। और ये हमारी कार, और इसी में हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, यहीं सो गए। और अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से दिल्ली थोड़ी दूरी पर है। यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे आज जम्मू पहुँच जाए। बॉर्डर पर एंटर हुए हैं। कोशिश करते हैं शाम तक जम्मू पहुंच जाएं। जम्मू पहुंच जाएंगे, जम्मू के बाद फिर आज, यदि आज शाम को जम्मू पहुंच गए तो कल सुबह जम्मू से श्रीनगर के अपना जो जर्नी है वो शुरू करेंगे। तो लखनपुर नाम की जगह है। बाय रोड यदि आप आते हैं तो जैसे ही आप पठानकोट क्रॉस करेंगे उसके बाद ये जगह आएगी। यहाँ पर एक तो आपको लोकल स्नैक्स की बहुत सारी शॉप्स मिल जाएगी। ये कुछ दाल के पकौड़े होते हैं जो बहुत टेस्टी लगते हैं, आप इन्हें खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता दूँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह जो बाकी हमारे इंडिया की सिम कार्ड्स हैं वो काम नहीं करते हैं। वहाँ पे प्रीपेड सिम कार्ड्स काम नहीं करते हैं, पोस्टपेड सिम कार्ड्स काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक लोकल, या तो आप पोस्टपेड कार्ड सिम कार्ड आपके पास होना चाहिए, या फिर आप यहाँ पर आके प्रीपेड सिम कार्ड ले सकते हैं। तो इस जगह पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको शॉप्स मिल जाएंगी, यहाँ से आप सिम कार्ड ले लीजिए। एयरटेल और जियो दोनों का सिम कार्ड यहाँ से आपको मिल जाएगा, आप ले लीजिए और वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहीं से आपका फ़ोन चालू हो जाएगा, तो आप आपके रिलेटिव से बात भी कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट भी रह सकते हैं। अभी हम जम्मू के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पर रुके थे थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए, तो हमें यहाँ पर सिम कार्ड भी मिल गया। बस अब आगे जम्मू के लिए चलते हैं। यहाँ से 100 किलोमीटर है जम्मू, शायद 2 घंटे लगेंगे। तो जम्मू पहुँच कर फिर आपको और अपडेट्स देते हैं। अभी हम लोग लखनपुर से निकल कर जम्मू जा रहे हैं। अब रात का समय लगभग 9:15 बज चुका है, और रोड पूरा काफ़ी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। रोड भी बहुत अच्छा है, रोड भी बहुत अच्छे हैं। रोड तो शुरू से ही अच्छे मिलेंगे आपको। रोड हम लोग भोपाल से निकले हैं, तो भोपाल से लेकर अभी तक पठानकोट और लखनपुर तक के रोड्स बहुत अच्छे हैं। और जो हम जम्मू के लिए जा रहे हैं ये भी 4-लेन रोड है, सभी जगह 4-लेन रोड मिले हमें। तो
लगभग सभी जगह आपको रोड बहुत अच्छे मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रोड्स की आपको। तो फिलहाल आप दिल्ली के बाद तो कम से कम रोड्स बहुत अच्छे हैं, दिल्ली के बाद तो बहुत अच्छे रोड्स हैं, सही है। फिलहाल अब जम्मू पहुंचते हैं, जम्मू पहुंच के देखते हैं कल जब हम श्रीनगर के लिए निकलेंगे तो वहाँ देखेंगे रोड्स क्या स्थिति है। वैसे फ्रेंड्स, हम जम्मू से लेह के लिए निकले हैं, रात को लगभग 10:30 बजे हम जम्मू पहुंचे थे और होटल ढूंढने में और खाना खाने में लगभग 11:30 बज गए थे। तो यहाँ पर वैष्णो देवी जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको उनके रुकने के लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है जम्मू में, जिसमें आप आसानी से रुक सकते हैं और ये रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही है। अभी सुबह का समय है, जम्मू से निकलते ही पहाड़ी रास्ते शुरू हो जाते हैं लेकिन रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। अभी सुबह सुबह तो रोड्स पर ट्रैफिक भी कम ही है। हम चाहते हैं कि आज कम से कम हम कारगिल तक पहुंच जाएं, इसलिए सुबह जल्दी निकले हैं, नाश्ता हमने होटल में ही कर लिया था। दोस्तों, हम जम्मू श्रीनगर कारगिल से होते हुए लेह जाएंगे और लौटते समय हम लेह और मनाली वाले रूट से लौटेंगे। तो आप हमारे साथ जर्नी में बने रहिए, आपको श्रीनगर टू लेह और लेह टू मनाली के पूरे रूट्स के बारे में बताएंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए जर्नी में आगे चलते हैं और देखते हैं आगे के रूट्स की क्या कंडीशन है। तो अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं। अभी हम गुजर रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल से। इट इज़ लोकेटेड इन द लोअर हिमालयाज ऑन NH44। इट इज़ इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल विद अ लेंथ ऑफ 9.02 किलोमीटर और ये इंडिया की पहली टनल है विद फुल्ली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम। इट रिड्यूसेस द डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर बाय 30 किलोमीटर्स एंड ट्रेवल टाइम बाय 2 आवर्स। जम्मू श्रीनगर हाईवे अब ये 2 लेन हाईवे हो गया है, पहले 4 लेन था, अब 2 लेन हो गया पहाड़ों में और कई जगह पर काम चल रहा है, चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, इसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो जाता है। रामवन पहुंच चुके हैं, थोड़ा जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक काफी है, ट्रैफिक की वजह से हम बहुत लेट हो गए जबकि हम सुबह बहुत जल्दी निकल गए थे जम्मू से। अभी 11:30 बज गया है, अभी तक हमें श्रीनगर पहुंच जाना चाहिए था लेकिन हम अभी तक रामबन में ही पहुंचे हैं, राम मंदिर में पहुंचे, बीच में एक जाम वहां पीछे लग गया था, फिर अब ट्रैफिक हर जगह बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है। सिंगल रोड होने की वजह से आराम आराम से ट्रैफिक चल रहा है और आगे भी रोड की यही स्थिति लग रही है, शायद रश भी ज़्यादा है ना इस टाइम। हमें कारगिल पहुँचना है
आज कोशिश यही रहेगी पूरी की कारगिल पहुंच। आप यदि खुद की गाड़ी लाएं तो आपको यदि अच्छे से ड्राइव करने की प्रैक्टिस है तो ही आप खुद ड्राइव करके आएं, या फिर एक अच्छे से ट्रेन ड्राइवर को साथ में लाएं। ट्रेन दोस्तों, पहाड़ों पर आपको बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना होता है। स्पीड कंट्रोल में ही रखें, फास्ट ड्राइविंग ना करें और ना ही रैश ड्राइविंग करें। यू हैव टू वेरी केयरफुल एंड स्लो ऑन कर्व्स। सड़कें थोड़ी चौड़ी कम रहती हैं और जब दोनों तरफ से ट्रैफिक एक साथ हो जाता है तो यही स्थिति बनती है। असल में जो ट्रैफिक जाम होता है ना, ट्रैफिक जाम होता है कुछ लोग जो बिल्कुल रूल्स फॉलो नहीं करते ना, उनकी वजह से। यदि सब एक लाइन में चलते रहें, उधर से आने वाले और इधर से भी आने वाले, तो ट्रैफिक जाम नहीं होगा, ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं बनेगी। ट्रैफिक जाम जो करते हैं ये बेवजह ओवरटेकिंग जो करते हैं उन लोगों की वजह से। जैसे ये है, लाइन उस तरफ थी लेकिन ये ओवरटेक करने के लिए, जल्दी जाने के लिए इन्होंने, जैसे ये रेड कलर वाली गाड़ी है, ये ओवरटेक कर रहा है उसको। और ये जो ओवरटेकिंग की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, यही जाम लगाती है। अगर सब अपनी अपनी लाइन में चलते रहें तो दिक्कत ना हो। बस ये लोग, कुछ लोग समझते नहीं हैं और उनकी वजह से सभी लोग परेशान होते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही बनिहाल क्रॉस करेंगे, बनिहाल काजीकुंड रोड टनल शुरू हो जाएगी। द काजीकुंड टनल इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया। इट इज़ अबाउट 8.45 किलोमीटर लॉन्ग। इट रिड्यूसेस द रोड डिस्टेंस बिटवीन बनिहाल इन जम्मू प्रोविंस एंड काजीकुंड इन साउथ कश्मीर बाय 16 किलोमीटर्स एंड कट्स जर्नी टाइम बाय अराउंड 1.5 आवर। जैसे एंटर हुए, ये गेटवे ऑफ कश्मीर वैली और लोकेशन यहाँ की देखकर, जो यहाँ का हम लोग नज़ारा देख रहे हैं, तो ये एकदम डिफरेंट है। जम्मू से बिल्कुल अलग हटके है। जम्मू एक अलग जगह है, ये बिल्कुल अलग जगह है। और शायद सेंसिटिव ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत मतलब टाइट सिक्योरिटी है। जगह जगह पर CRPF और आर्मी के जवान हैं और बहुत ही जबरदस्त सिक्योरिटी है। लेकिन यहाँ डर वाली कोई बात नहीं लगती। अभी ऐसी कोई फीलिंग नहीं दिखी हमें भी अभी तक, कि कोई डर लगे। नहीं, रामबन से लेकर मान के चले इस काजीकुंड तक काफ़ी रोड बहुत ख़राब थे। ख़राब होने के अलावा बहुत ज़्यादा हिली एरिया था। खतरनाक, गाड़ी भी बहुत इतनी स्पीड में नहीं चला पा रहे थे और बहुत संभल के चलाना पड़ रहा था गाड़ी को। तो वो एक डिफरेंट टेरेन है, ये एक डिफरेंट टेरेन है, पूरा एक अलग ही माहौल है यहाँ पर। और लगभग आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें डिफरेंट, बताएंगे हम आपको। 11 किलोमीटर अनंतनाग है, अभी अनंतनाग पहुंचने वाले हैं, 11 किलोमीटर बाकी है। अभी हमारे सेना के जवान यहां से निकल के गए और ट्रैफिक रोक दिया था पूरा। जैसे ही वो लोग निकले उसके बाद ट्रैफिक खुला गया। अनंतनाग हम सोच रहे थे कि शायद क्रॉस करेंगे, मगर अनंतनाग नहीं जाएंगे, अंदर अनंतनाग से बाहर से ही निकल गए हैं। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, सभी जगह जवान खड़े हुए हैं। हम वीडियो नहीं लेना चाहते उनका। यहाँ पर क्रिकेट
क्रिकेट बैट्स बनाए जाते हैं, ये फैक्ट्रीज हैं बैट्स की, ये देखिए बहुत सारी शॉप्स हैं और ये यहीं पर बनाया जाता है। साकेर नाम की जगह है, साकेर संगम, काफी दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, दोनों तरफ बस बैट्स की ही दुकानें हैं। घर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है यही है यही है। कश्मीर वैली के खूबसूरत नज़ारों को देखकर अमीर खुसरो की ये पंक्तियाँ बरबस ही जुबा पर आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ की खूबसूरत वादियों में पहुँचकर स्वर्ग का एहसास होना लाजमी है। इस स्वर्ग को शब्दों में बयान करना इम्पॉसिबल है, इसलिए एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, यहाँ आकर कश्मीर वैली के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ज़रूर लें। श्रीनगर पहुंच चुके हैं, श्रीनगर क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ नहीं रुकेंगे, सीधे कारगिल, सीधे कारगिल निकलना है, कारगिल पहुंचेंगे आज, कोशिश करेंगे कारगिल। फ्रेंड्स, श्रीनगर से निकलने के बाद थोड़ी दूर चलकर ही मौसम अचानक से बदल गया, तेज़ बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों में पहुंचकर मौसम का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है, यहां कभी भी बारिश हो सकती है। अभी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन हम रुकने की जगह इस मौसम का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। कारगिल यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है और हम चाहते हैं कि कारगिल पहुँच कर ही नाइट स्टे करें। कारगिल अभी 150 किलोमीटर है। यहाँ पूरे रास्ते आपको खाने की कोई भी समस्या नहीं होगी, बहुत सारे ढाबे, बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सभी तरह के मिल जाएंगे, खाने की कोई भी समस्या नहीं। आँखों को दीवाना बनाती गजब की खूबसूरती, कानों में आकर कुछ कहती ठंडी हवाएं, जहाँ तक नज़र जाती वहाँ तक मुस्कुराती हुई चोटियाँ ही नज़र आती, बादलों के साथ उड़ते हुए ख्वाब। देखने में तो हर पहाड़ एक जैसा लगता है, लेकिन हर पहाड़ की अपनी एक अलग पहचान होती है। फ्रेंड्स, सोनमर्ग पहुंच चुके हैं। सोनमर्ग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के गांदरबल ज़िले में 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। ये एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है। यह सिंध नाले नाम की नदी की घाटी में है। इसे आप सिंध नदी ना समझें, मतलब इंडस रिवर नहीं है ये, ये आगे जाकर झेलम नदी में मिल जाती है। सोनमर्ग और सोनमर्ग से आगे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और कई फेमस ग्लेशियर हैं। NH1 से वेस्ट में श्रीनगर और ईस्ट के लद्दाख से जोड़ता है। मर्ग का मतलब घास होता है और सोन मतलब सोना होता है। यहाँ के सुनहरे चारागाहों की वजह से इस जगह का नाम सोनमर्ग पड़ा। सोनमर्ग से ही कई ट्रैक मार्गों का रास्ता भी खुलता है। अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप तक जाने का रास्ता बालटाल है, जो कि सोनमर्ग से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं से बिशनसर और कृष्णसर झीलों के लिए भी जाने का ट्रैकिंग मार्ग है। इसके अलावा कोल्हाई और मचाई के ग्लेशियर भी हैं। इन जगहों पर जाने और आने के लिए कम से कम 2 दिन का टाइम लगता है। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज आ गया है। हम यहाँ सोनमर्ग तक तो पहुँच गए,
आगे जाने वाले थे, मगर आज कुछ आगे कुछ इशू हो गए हैं, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, इसलिए सोनमर्ग से आगे हमें नहीं जाने दिया। और टाइम अभी हो रहा है 7 बज रहे शाम को, काफी उजाला है 7 बजे भी, तो फिर हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ये सोनमर्ग है और यहाँ पर हमने होटल ले लिया है। मैं आपको रूम बताती हूँ, कॉटेज है ये और इसमें ये रूम है, ये एक बेड है, छोटा सा रूम है, इधर ये अटैच लेटबाथ है, तो यहाँ रुकना पड़ रहा है। देखते हैं, अब रुके हैं तो फिर सोनमर्ग भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, जाके थोड़ा घूमते हैं, अभी टाइम है, अंधेरा भी नहीं हुआ है, तो फिर आपको और आगे बताते हैं। अभी हम लोग सोनमर्ग में हैं, हम लोग कारगिल के लिए निकले थे लेकिन यहाँ पर रोक लिया है, आगे नहीं जाने दिया गया, आगे नहीं जाने दिया, और जिसकी वजह से आज स्टे करेंगे हम यहीं सोनमर्ग में। तो आप भी ध्यान रखें, यदि इधर आ रहे हैं तो एक दो दिन स्पेयर में साथ में आपके पास टाइम होना चाहिए। वैसे लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लोकेशन है, ये नदी है, ये सिंध नदी है, और अब हम इधर मार्केट में चलते, जब रुके हैं यहाँ पर तो फिर मार्केट में भी चल के देखते हैं, मार्केट का व्यू भी देख लेते हैं। मार्केट का व्यू चल के देखते हैं, खाना भी खाना है, और उसके बाद फिर हम जल्दी सुबह जल्दी निकलेंगे, क्योंकि कल भी मेंटेनेंस डे है यहाँ पर, कल भी मेंटेनेंस डे है, जिसकी वजह से कल भी यहाँ पर गाड़ी आगे के लिए नहीं छोड़ेंगे, और यदि ऐसा होता है तो हमें एक दिन और यहाँ स्टे करना पड़ेगा, ये एक अलग चीज़ है, तो इसलिए यहाँ पर जब भी आए तो एक दो दिन स्पेयर में जरूर रखें, क्योंकि यहाँ कब कहाँ रुकना पड़ेगा इस चीज़ की टाइम भी बहुत लग गया, रास्ते में भी काफ़ी टाइम लग गया, जगह जगह हमें रास्ते में बहुत जाम मिले आज, हाँ भीड़ के बहुत बड़े बड़े झुंड जो रोड पर चल रहे थे, हमें आधा आधा एक एक घंटा उनके पीछे पीछे चलना पड़ा, तो शायद टाइम से पहुंच जाते तो आगे निकल, हाँ हम लोग टाइम से जल्दी आ जाते तो हम यहाँ से आगे निकल जाते। अभी हम सोनमर्ग के मेन मार्केट में हैं, मेन मार्केट पहुंच रहा है, हमने जो रूम लिया था वो उसके पास में है, और मेन मार्केट देखकर फिर खाना खा के जल्दी सोएंगे, इससे कल सुबह जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे, अभी जल्दी निकल गए तो शायद हम कल लेह पहुंच जाए शाम तक, और यहाँ ठंड काफी, हाँ ठंड बहुत है इस वक्त, सारे पहन रखा है तभी मेरे को ठंड लग रही है, इसे बहुत ठंड लगती है, मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं, मैंने इतना सारा पहन लिया है जब भी, तो ठंड बहुत ज्यादा। ये मेन मार्केट है, पार्किंग है, और लगभग सभी होटल्स ही हैं यहाँ पर, मेन रोड है, और बाकी ऊपर उधर सब पहाड़ है, इसका व्यू हम दिखा चुके हैं आपको पीछे वहाँ पर, पंजाबी होटल एंड रेस्टोरेंट देखते हैं।
खाना खा लिया है दोस्तों, बहुत खाना अच्छा था, बहुत ज्यादा तो ठीक नहीं था पर अच्छा था, ठीक ठाक था। और ठंड लग रही है, चलते हैं अब। अभी यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट गई है शायद, हाँ दिख रहे हैं। चलते हैं, ठंड बहुत तेज है, बढ़ गई है ठंड, तो रूम में ही चलेंगे, सोएंगे, आराम करेंगे। दिन भर से चल रहे हैं क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं, 8:30 बज चुका है, आराम करेंगे, सोएंगे। सुबह जल्दी निकलना है क्योंकि सुबह कार के लिए जल्दी निकलेंगे, ठीक है। फिर सुबह आपको बताते हैं क्या अपडेट रहता है।